मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का है। सीसी वन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रति एवं विकास की परिभाषा देते हुए विकास के सिद्धांत का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि की परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड सोरेनसन, शारीरिक वृद्धि को बड़ा होना बताया जाता, अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना है, और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार, वेट को व्यक्त करता है। वृद्धि का अर्थ देखते हैं। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, फिजिकल ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की क्षमता के से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अब विकास का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन को कहते हैं। विकास का कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्थाओं इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक पहुंचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और जाती है, परंतु विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की परिभाषाएं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, विकास जीव और उसके वातावरण के अंतः क्रिया का प्रतिफल है। अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अकॉर्डिंग टू गैसेल, की विकास प्रत्यय से अधिक है, जिसे देखा जांचा और किसी सीमा तक नहीं, प्रमुख सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं, शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम। इस प्रकार विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें व्यक्ति की कार्य कुशलता एवं व्यवहार में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। अब विकास का सिद्धांत यहाँ से शुरू है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मनुष्य के विकास की प्रक्रिया एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उसका लंबाई भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के समान बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता का स्तर ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सके। वैसे तो विकास के सिद्धांतों के विषय में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं और सभी विचारक उनका समर्थन करते हैं, जो इस प्रकार है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोशों सेल्स अर्थात शुष्क
स्पर्म और वोभम के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए निषेचित अंड मानव बनकर विकास के कई पक्षों को और को की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। सेकेंड है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो कि लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही देखा में ही होगा, अर्थात यह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं, ये सभी बच्चे में होते हैं कि दूध के दांत पहले टूटते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा और स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। फोर्थ पॉइंट मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट। मानसिक सिद्धांत की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता अमूर्त रूप से होती तो अमूर्त रूप से होती और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। फिफ्थ पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंकों और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरा हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। सिक्स्थ पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट के बीच विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की ओर और बाद में अन्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तुओं का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। सेवंथ पॉइंट विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्रिडक्टिविटी। अब तक के सिद्धांत से यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है, जिसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चों की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियां और अभिवृद्धि आदि। ये प्रिडिक्टिबिलिटी है। एट्थ पॉइंट विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है और उसके टांगे सबसे बाद में तैयार होती है। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रूण एम्ब्रायो के सिद्धांत के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहले सिर से पांव की ओर, फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर और स्वरूप के बाद क्रियाएं। फिर नाइन्थ पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें इतना पॉइंट लिखा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती है और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। ट्विंस बच्चे में भी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं व्यवहार शीघ्र विकसित होती है तो कुछ में विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होती है, अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती है। टेंथ पॉइंट है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो काफी है। मैं यहाँ पे 14 पॉइंट लिखी हूँ, बट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे वो सब पॉइंट लिखिए, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है और 5 क्वेश्चन लिखना रहता,
तो आप जितना लिख पाए विद इन टाइम वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। 12th पॉइंट है परिपक्वता हुआ अधिगम का सिद्धांत। 11th है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। फिर 13th है परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। फिर 14th है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। फिर कंक्लूजन, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। धन्यवाद।